आप इसको पूरा अच्छी तरीके से आप चला लीजिए, आपको आराम मिलेगा। और जहां तक है जो आपका इतने दिनों से आपको ये प्रॉब्लम चली आ रही है, इससे आपको निजात मिल सकती है। ठीक ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मुझे उम्मीद है ओके सर को समझ में आ गया होगा। अशोक जी, आप जो प्रोडक्ट्स हैं वो सर को दिलवा दीजिएगा, और बाकी जो सर ने जो परहेज बताया है वो आप कंटिन्यू करवा दीजिए। एक चुकंदर डेली इनको नाश्ते में लेना है। इसके जी अलावा लेव अगेन, आयुश्वास, कवच प्लस और एंटी एलर्जी, ये जी चारों सर, प्रोडक्ट्स इन्हें देने हैं और 3 महीना कंटिन्यू करना है। उसके बाद में फिर आप बताइएगा क्या पोजीशन। ओके ठीक है, रिजल्ट जो भी है 1 महीने के अंदर ही दिखाई देने लगेगा, लेकिन कंटिन्यू 3 महीने करना है। ओके चलो, ओके सर, ओके, वेलकम। यस, आप निखिल शर्मा जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। जी निखिल जी, बताइए। नमस्कार सर। नमस्कार। सर मैं विशाल पांडे। तो हाँ जी विशाल जी, बोलिए ये मेरे कान में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मुझे जी। सुनने में थोड़ी दिक्कत होती है ओके, कब लेफ्ट वाले कान से। से है प्रॉब्लम मैंने आपको? ये 6-7 मंथ से है। नहीं तो कान में से कोई मतलब प्रॉब्लम हुई थी, कोई चोट वगैरह लगी थी, या अचानक ही सुनना बंद हो कम हो गया? अचानक ही कम हो गया, कोई चोट वगैरह नहीं लगी। डॉक्टर को चेक करवाया कान को? हाँ, चेकअप कराया था तो उसमें ये बताया था जो पर्दे के पीछे एक हड्डी है वो गल गल रही है, मतलब ओके, तो उसका जी सॉल्यूशन क्या बताया डॉक्टर ने? ऑपरेशन बताया। ओके, देखिए जी जो डॉक्टर ने बोला है इस केस में ऑपरेशन या जो इलाज है डॉक्टर ने बोला है, तो आपको ऑपरेशन तो करवाना ही चाहिए इसमें। फिर भी मैं एक बार सही राय के लिए मैं वापस डॉक्टर रविंदर सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर एक बार थोड़ा सा गाइड करें और बताएं। वैसे जो ऑपरेशन का जो ट्रीटमेंट है उसके लिए ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा, लेकिन फिर और क्या बेटर हो सकता है तो सर से जान लेते हैं प्लीज सर। इसमें हम देखिए विशाल जी, आपको आप अपनी एक तो अपना जो शेड्यूल है, आप बहुत ज़्यादा ठंडा तो नहीं खाते हो? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, अगर ठंडा आप, तो नहीं हाँ, तो ऐसा ठंडा भी नहीं खाना है, और आपको बाजार की बहुत तली वली चीज़ें भी आपको अवॉइड करनी पड़ेंगी। और आप इसमें सिर्फ ये है कि एक तो इम्यूनो थ्री प्लस हमारा 9E5, ये दो प्रोडक्ट हम इनको चला सकते हैं, और ये आप 30 से 40 दिन चलाइए इसमें, और फिर उसके बाद में बताइएगा। उसके बाद में आप ऑपरेशन करा लीजिएगा अगर जरूरत पड़े तो। आपको वैसे इससे आपको बहुत लाभ हो सकता है। जी। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो टेस्ट जो है ना, इसके लिए कई मशीनें आती हैं कान के जो हैं, आपने जो टेस्ट कराया है अंदर मशीनों से काफी चीजें क्लियर हुई हैं। कहाँ पर कराया था? ये बरेली में किया था मशीनों से किया होता है ना, प्रॉपर चेक जी किया होगा। जी हाँ, तो जी कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिए। अगर उसका जो रिपोर्ट है, एक बार उस रिपोर्ट है आपके पास उसकी, कितना क्या गल गई है, कौन सी हड्डी गल गई है, कैसे, कुछ है रिपोर्ट आपके पास? जी अभी तो नहीं है घर पे है? मैम, वैसे रिपोर्ट है हम आपके लिए व्हाट्सएप कर देंगे। हाँ, एक बार रिपोर्ट भेजिएगा। और ये जो सर ने बताया ना, रविंदर सर ने, डॉक्टर साहब ने बताया है आपको, जो 9E5 यूज करना है और इम्यूनोथ्री करना है, ये करिए जी जरूर। जी इससे बहुत अच्छी बात हो सकती है, क्योंकि बॉडी की खुद की इम्यूनिटी, हीलिंग जो पावर है ना, वो एक्टिव हो सकती है, और उसकी वजह से ये जो ये यंग बच्चा है और खुद ये चीजें लेंगे। कितनी एज है आपकी? आपकी 17 हाँ, तो बिल्कुल आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं, बट मिलेंगे जरूर। और आप 9E5 और इम्यूनोथ्री जो सर बोल रहे हैं वो लेना शुरू करिए, और बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। बहुत जरूर अच्छा रहेगा। हो सकता है कि बिल्कुल आपको किसी तरह के की कोई ऑपरेशन की जरूरत ना पड़े, वो बॉडी खुद ही अपनी हीलिंग पावर से उसको जो भी डैमेज या जो भी नुकसान हुआ है उसको ठीक कर ले। और जी एक चीज का और ध्यान रखना है, प्रिकॉशन लेना है कि नहाते समय आपके कान में पानी ना जाए किसी भी तरीके से। अगर जाए तो पहले आप रुई वगैरह लगा के नहाए, इसके उसमें पानी नहीं जाना जी चाहिए आपके कानों में बिल्कुल भी। जी ठीक है थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेडिकल स्टोर से वो सर। ईयर ईयर के जो कैप होती है वो मिल जाती है, उसको लगा के आप यू नहाने का कर सकते हैं, ताकि पानी बिल्कुल ही अंदर नहीं जाएगा। जो लोग स्विमिंग वगैरह के लिए जो यूज करते हैं, स्विमिंग के टाइम जी पे जो यूज करते हैं, वो मेडिकल स्टोर से आपको मिल जाएगा। ईयर प्लग बोलते हैं जी उनको। जी
थैंक यू सर, सर थैंक यू वेरी मच। अभी हम नेक्स्ट रजनी किराड़ जी को इनवाइट करेंगे। यस रजनी किराड़ मैम प्लीज वेलकम। नमस्ते सर, नमस्ते मैम, सभी जूम हॉल में बैठे मेरे भाई बहनों को भी नमस्ते। सर मेरी बहन को 2-3 साल से प्रॉब्लम है, जब भी वो जांच करवाती है खून की तो उसको हमेशा मलेरिया ही बताया जाता है, चाहे वो 6 महीने में करवाए, चाहे हर महीने करवाए, चाहे वो साल में एक बार करवाए, लेकिन उसको मलेरिया कभी खत्म ही नहीं होता। ओके तो उसके बारे में बताइए आप। चलिए मैं डॉक्टर एएच अंसारी जी यदि हमारे बीच में अवेलेबल हैं। डॉक्टर अंसारी जी, डॉक्टर एएच अंसारी जी यदि मुझे सुन पा रहे हो, बाकी मैं पूछना चाहूंगा। हमारे बीच में डॉक्टर रविंदर सर हैं। सर थोड़ा सा कीजिए प्लीज। एक तो इनकी रिपोर्ट मंगवा लीजिए मुकेश साहब, जो इनकी मलेरिया की जो रिपोर्ट आती है एक बार वो रिपोर्ट भी मैं देखना चाहूंगा, उसको भेज दीजिएगा। और तब तक आप इनको एक तो लिवगेन भी देना है, इनको प्रोबायोटिक भी इनको देना है, और अपना डेली डिटॉक्स इनको देना है, और अपना बिलो 37 भी आप इनके साथ में चालू करवा दीजिए, और 95 चालू करवा दीजिए। जी समझ में आया रजनी मैम आपको? जी सर, क्या क्या चीजें जो जो सर ने बताई हैं, प्रोबायोटिक, डेली डिटॉक्स, लिव अगेन, और उसके अलावा बिलो 37 और 95। जी सर, है ना, ये कंटिन्यू करवा लीजिए, और एक रिपोर्ट जो भी है एक बार रिपोर्ट और भिजवा दीजिएगा। जी सर, चलिए ठीक है, ओके। किस एज ग्रुप की है, किसको, क्या एज क्या है उनकी, एज कितनी है इनकी? मैडम 25 या 26 हो गई उसकी एज। क्या लड़का है, लड़की है, कौन है? नहीं, सिस्टर है इनकी। तो इतना मतलब कब, आप जब बता रहे हो काफी टाइम से है ना, तो कितने समय से है प्रॉब्लम? मैडम उसको 2 से 3 साल हो गए समथिंग। और उसका ट्रीटमेंट क्या लेते हैं वो उस मलेरिया के लिए, फिर क्या ट्रीटमेंट चल रहा है? जी वो जिला है गुना, वहाँ प्राइवेट डॉक्टर के पास जाती है, जब वो प्रेग्नेंट होती है तभी जाती है, इस समय वो प्रेग्नेंट है। तो अभी परसों के दिन जब जांच करवाने गई थी तो बोल रही थी कि दीदी मुझे अभी भी मलेरिया है, मैंने 6 महीने पहले जांच करवाया, 3 महीने तक लगातार, तब भी मेरे को मलेरिया ही बताते हैं हर बार। हाँ तो देखिए प्रेगनेंसी है अभी, तो हम इतने सारे प्रोडक्ट रिकमेंड जो सर ने किए हैं वो बिल्कुल नहीं कर सकते अभी, तो उनको ज्यादा दवाई या इस तरीके की चीजें लेना बिल्कुल ठीक नहीं है। तो अभी जो डॉक्टर उनको देख रहे हैं, अभी प्रेगनेंसी कौन से कितने मंथ की है? उसकी 3 मंथ की है मैडम अभी। हाँ तो जो डॉक्टर को दिखा रहे हैं वो उन्हीं डॉक्टर का इलाज उनको कराइए, ऐसे मलेरिया का ट्रीटमेंट ऐसे अलग से कराना मतलब इस कंडीशन में ठीक नहीं है। तो अभी आप जो भी प्रोडक्ट सर बता रहे थे वो उस कंडीशन में बता रहे थे कि जब इस तरीके की कोई कंडीशन ना हो प्रेगनेंसी वगैरह की, तो अभी आप उनको उनके डॉक्टर जो उन्हें रिकमेंड करें केवल वही लेने दीजिए, क्योंकि क्या उनके लिए सेफ है, कितना सही है, कितना नहीं है, वो देख के देंगे। बाकी ये सब चीजें हम उनको तब रिकमेंड कर सकते हैं जब उनका ये प्रेगनेंसी के बाद, क्योंकि आप जैसे बता रहे हो 2-3 साल से उनको प्रॉब्लम है, तो अभी उनका डिलीवरी वगैरह होने के बाद जो बाद में देखा जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट उनको यूज करा सकते हैं। न्यूट्रीलाइफ दे सकते हैं अभी भी है जी इस कंडीशन? न्यूट्रीलाइफ दे दीजिए, न्यूट्रीलाइफ पाउडर दे दीजिए, वो बच्चे के लिए भी अच्छा रहेगा, इनके लिए भी अच्छा रहेगा, इनकी शरीर की जो इम्यूनिटी है उसको इंक्रीज करेगा और शरीर को ताकत मिलेगी। तो न्यूट्रीलाइफ पाउडर आप उनको दिलवा दीजिए, बाकी जो प्रोडक्ट हैं और उनको मत दिलवाइए, जो डॉक्टर उनको रिकमेंड करें वही दिलवाइए। और इससे कम से कम ये होगा कि इसका जो इफेक्ट है, अगर उनके ब्लड में मलेरिया शो कर रहा है तो बेबी के ऊपर इसका जो है वो न्यूट्रल हो सकता है उसका, अगर आप रेगुलर न्यूट्रीलाइफ उनको चालू कराते हो तो। जी सर ठीक है रजनी मैम, आप न्यूट्री लाइफ पाउडर मंगा के उनको दिलवाना शुरू करिए, ताकि उनकी इम्यूनिटी अच्छी हो, बच्चा भी उनका जो है हेल्दी हो, और इस तरीके से अपने आप को और बेटर तरीके से वो ठीक रख पाए। जी ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मैम। अभी हम नेक्स्ट बुलाना चाहेंगे दिनेश कुमार कुशवाहा जी को, प्लीज वेलकम दिनेश जी। दिनेश कुमार कुशवाहा जी अनम्यूट कीजिए। सर नमस्कार। नमस्कार दिनेश जी, बोलिए। सर मैं, मेरी घरवाली का वेट बढ़ गया है,
वजन ओके 1 साल पहले मैंने थायराइड और शुगर की जांच कराई थी, नॉर्मल जांच आई थी, ओके और वजन कब बढ़ा है? उससे कोई फायदा नहीं मिला। जब वजन कब से बढ़ा है? ये 4-5 साल हो गए। 4-5 साल से लगातार वजन बढ़ रहा है। हाँ, अब तो लमसम 80 के लमसम हो गया है, ओके अभी कम फिर से हो ऊपर नहीं गया गया है? अब। नहीं तो अभी ये मतलब 80 कम होके हुआ है, पहले ज्यादा था और हाँ, 85 तक हो गया था। ओके। अभी खाना कितने बजे खाते हैं शाम को? शाम को तो वही सब लोग खाते हैं, 7-8 बजे। 7-8 बजे खाना लेते हैं। थायराइड हाँ कब चेक करवाया आपने? 1 साल पहले? हाँ 1 साल पहले करवाया था। ओके और कोई हार्मोनल इम्बैलेंस? उनको पीरियड्स वगैरह सब नॉर्मल है? हाँ नॉर्मल है ये तो सब, वैसे कोई तकलीफ नहीं है? न वैसे कोई तकलीफ, बस शरीर में दर्द होता है। ओके शरीर में पेन होता है, कोई बात नहीं, मैं डॉक्टर हाँ निशा भारती मैडम जी के पास आपको लेके चलता हूँ। जी मैम प्लीज थोड़ा सा समझिए इनकी प्रॉब्लम को। पिछले 4-5 साल से वजन इनकी वाइफ का लगातार बढ़ रहा है, अभी 80 केजी के आसपास इनका वेट है। हार्मोनल इम्बैलेंस फिलहाल कोई है नहीं इनके अकॉर्डिंग, और थायराइड भी इनको नहीं है, लेकिन वजन अभी लगातार बढ़ रहा है, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है प्लीज देखिए। डॉक्टर निशा भारती मैडम जी यस 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 दिनेश जी, देखिए कुछ तो खान पान में बदलाव करने की जरूरत है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग खाना पीना तो खा रहे हैं लेकिन प्रॉपर एक्सरसाइज या हमारा वर्किंग नहीं हो पा रहा, बिल्कुल बाहर घूमना एक्सरसाइज इस तरीके की चीजें हमारी डेली रूटीन में उतनी नहीं हो पा रही है। तो आप देखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि घर के काम करना या वो अगर कंफर्टेबल कर रहे हैं प्रॉपर, देखिए थोड़ा वॉक करना जरूरी है, खाना खाने के बाद रात को अगर वॉक कर ले या सुबह को जल्दी उठ के तेज तेज अच्छे से घूम के आए तो इससे एक्सरसाइज होगी, जो खाया पिया है शरीर एक्सरसाइज मांगता है, छोटे बच्चे को भी हम एक्सरसाइज कराते हैं तो बड़े के तो जरूरी है। इसके अलावा सलाद और फल वगैरह की मात्रा हो, ऐसा ना हो कि आलू बहुत ज्यादा खाए जा रहे हैं, रोटी की मात्रा ज्यादा हो रही है, चावल की मात्रा ज्यादा हो रही है, तो जितना शरीर को चाहिए उससे ज्यादा अगर हम दे रहे हैं उसको, कार्बोहाइड्रेट दे रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रोटीन की मात्रा दे रहे हैं, फैट की मात्रा ज्यादा दे रहे हैं, तो फिर स्टोर ही करेगा शरीर। तो एक तो ये चीज है नॉर्मल, अगर कुछ भी नहीं है प्रॉब्लम, लेकिन महिलाओं में ज्यादातर देखा गया है कुछ पीरियड से रिलेटेड हार्मोनल इशू भी रहता है, जिसकी वजह से तनाव अगर है, अगर रोजमर्रा की लाइफ में तनाव चल रहा है तो तनाव से भी हमारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जो हार्मोन्स हैं, उनका सिक्रेशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो आपको लगता है कि कोई ऐसा कारण हो सकता है? एक्सरसाइज की कमी है, खान पान की सही तरीके से चिकना जो तला भुना या इस तरीके का खाना खाया जा रहा है, या फिर कोई इस तरीके की कोई चीज आपको लग रही है, कोई कारण आपको दिखाई दे रहा है? देखो मैम, खाना तो नॉर्मल ही है, कोई ना तो सलाद है ना कुछ है, बस साग रोटी खाना है। हाँ, सब्जी रोटी। और एक्सरसाइज और काम वगैरह कितना है? अब घर घर का तो सारा ही काम करते हैं, एक्सरसाइज थोड़ा बहुत घूमते भी हैं। चलिए तो एक काम कर लीजिए, देखिए यदि आपको लगता है इन सब चीजों में थोड़ा बेहतर करने की, सुधार करने की जरूरत है, इसके अलावा लिव अगेन एक हमारा प्रोडक्ट है, जब लिवर का फंक्शन ठीक नहीं होता, जब खाना जो है वो पचता नहीं है ठीक से, तो शरीर में मोटापा आना शुरू हो जाता है। तो एक तो लिव अगेन सिरप है जो खाना खाने के बाद उनको 2 चम्मच सुबह शाम जब भी खाना खाएं उसके बाद दीजिए, और एक अच्छा पीरियड से रिलेटेड जरूर बात कर लीजिएगा, मोस्टली केसेस में ऐसा होता है कि हाँ पीरियड से मैम, रिलेटेड। पीरियड में भी दिक्कत है, कभी हाँ जल्दी हो जाते हैं, कभी लेट होते हैं। बिल्कुल, तो उनको वुमेन कंपेनियन जो हमारा एक सिरप है वो जरूर उनको दिलवा दीजिए, 3-4 महीने लगातार 4 महीने उनको दिलवा दीजिए। जो हार्मोन्स का जो इम्बैलेंस है वो किसी टेस्ट में भी नहीं पकड़ में आता, समझ में नहीं आता, तो वो होने से उनको काफी रिलीफ मिलेगा, बड़ा फायदा मिलेगा। तो आप ये चीज कर लीजिए कि उनको लिवागेन दीजिए और वुमेन कंपेनियन दीजिए, और अगर कोई टेस्ट वगैरह होता है तो वो भिजवा के दिखाइएगा, अगर थायराइड या ठीक फिर शुगर या फिर और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी तो उससे रिलेटेड फिर कुछ दिया जाएगा, अदरवाइज ये 2 चीजें तो आप इमीडिएट शुरू करा दीजिए। अच्छा जी, जब तो नॉर्मल आई थी जांचें।
कोई बात नहीं, नॉर्मली रहे, लेकिन ये चीजें जो होती हैं, ये जैसे हार्मोन इम्बेलेंस वगैरह हो जाता है, या हमारा लिवर का फंक्शन प्रॉपर नहीं होता, और जो भी खाया पिया है वो एक फैट के रूप में स्टोर हो जाता है, तो वो चीज निकल जाएगी, वो ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक ठीक है, ओके जी। ओके थैंक यू मैम, थैंक यू। अभी नेक्स्ट हम इनवाइट करने जा रहे हैं आरती यादव जी, प्लीज वेलकम आरती यादव जी। सर नमस्ते। सर नमस्ते जी। मेरे पास में मेरी दीदी बैठी है, उनके घुटनों में काफी दर्द है, काफी इलाज करा लिया उनके, कुछ भी आराम नहीं मिला। दीदी चलिए बात करवा दीजिए। बात करिए। हेलो सर नमस्ते जी। नमस्ते जी। मुझे 5 6 साल से घुटनों में दर्द है, ओके और साथ ही साथ एडी में भी है, एडी में थोड़ी हड्डी सी बाहर को निकली हुई है जी। ओके और डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला कि इनमें आपस में घर्षण होने की वजह से दर्द बनता है। ओके जितना मैं चलती हूँ ज्यादा, उतना ही घर से चलूंगी या थोड़ा चलूंगी आगे, तो जाके दर्द ज्यादा ही होता चला जाता है। और वैसे लेटने बैठने में और कैसे ही परेशानी नहीं है होती। ओके तो कितना टाइम हो गया इस चलिए प्रॉब्लम को? इसे जी 5 6 साल ओके आपकी अभी एज कितनी है जी, 43, और वेट कितना है? वेट जी 67। वेट 67 है आपका। ओके हाँ अभी जी, कोई ट्रीटमेंट चल रहा है डॉक्टर का अपना? हाँ जी, अब मैं इसकी आयुर्वेदिक दवाई खा रही हूँ जी, जैसे कि अश्वगंधा, इस तरह की। ओके चलिए कोई बात नहीं, मैं अभी आपको सर से मिलवाता हूँ, सर आपको प्रॉपर सॉल्यूशन बताएंगे आपको क्या क्या लेना चाहिए, कैसे कैसे लेना चाहिए और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या परहेज आपको करने हैं। तो चलिए मैं लेके चलता हूँ आपको डॉक्टर रविंदर सर के पास। यस प्लीज डॉक्टर रविंदर सर, प्लीज बताइए थोड़ा सा मैम को। हाँ, जैसा मैंने अभी इनको सुना है मैम को कि 43 एज है इनकी, तो इनको एक तो इम्यूनोथेरेपी देना है, इनको अपना नेट्सियम इनको देना है, और डेली डिटॉक्स इनको जरूर देना है, और अगर ये 95 ले सकती हैं तो बहुत बढ़िया है, और हफ्ते में 1 या 2 बार चैम्पी चैम्पियन की मसाज भी लेना इनके लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है। प्लस इनके खाने के अंदर सलाद की मात्रा बढ़नी चाहिए, और 200 से 250 ग्राम सलाद अगर खाने से आधा घंटा पहले लेंगे, अगर दोनों टाइम लें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक समय भी लेंगी तो भी इनको उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। इनके खाने के अंदर जो मुझे दिखाई दे रहा है, विटामिन्स और मिनरल्स की काफी डेफिशिएंसी है, तो एक तो वो पूरी होगी, और साथ में जो ये रिकवरी जो प्रोडक्ट बताए हैं मैंने, 2 3, इम्यूनोथ्री बताया है, नेट्सियम बताया है, लिवगेन बताया है इनको, तो और साथ में 95 अगर ये ले लेते हैं तो इनको बहुत बहुत फायदा होने वाला है। जो डॉक्टर कह रहे हैं कि हड्डी बढ़ गई है इनकी एडी की, उसमें भी सुधार आ जाएगा, प्लस इनका जो लेगामेंट की जो प्रॉब्लम बता रहे हैं वो भी इनका फुलफिल हो सकता है, इस तरीके की अगर अपनी डाइट को ये प्रॉपर तरीके से मेंटेन करते हैं तो। आरती मैम क्लियर? और अगर कोई रिपोर्ट हो इनके नीज की तो वो भी मंगा लीजिएगा, एक बार देख लेंगे उसको भी। आरती यादव मैम जी सर, क्लियर हो गया आपको? जी सर, चलिए गुड ओके। यस नेक्स्ट मैम आप लोगों के बीच में इनवाइट करने जा रहा हूँ, आईफोन के नाम से हमारे बीच में कनेक्ट है, आईफोन आईफोन के नाम से कनेक्ट है, प्लीज वेलकम, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। गुड इवनिंग सर। यस वेरी गुड इवनिंग सर मेरा नाम मयंक द्विवेदी है जी, सर, मयंक मैं जी यहाँ बताइए। मयंक मप्पा यूपी से बिलोंग करता हूँ सर। ओके मेरे फादर है मधुकर मोहन द्विवेदी और उनको लास्ट 2 3 साल से थोड़ी स्किन प्रॉब्लम है, तो अभी वो साथ में ही है मेरे, तो मैं आपको चाहूंगा दिखाना, मतलब हाँ हाँ तो बिल्कुल दिखाइए, रैशेज ये सर ऐसे प्रॉब्लम हाथ में है इनको ये। और ओके सर ये पूरे में है सर, मतलब ये प्रॉपर मैं एक पूरे में सेकंड है स्पॉट लाइट दे रहा हूँ, एक मिनट दोबारा दिखाइएगा।
हाँ स्पॉटलाइट दिया मैंने, हाथ दिखाइए थोड़ा सा। यस सर। अच्छा ओके, तो घाव भी हो जाता है ये? सर ये मतलब, और सर ये प्रॉपर पूरी फुल बॉडी में है सर ये, अच्छा ठीक हो जाते फिर हो जाते। तो ये चकत्ते चकत्ते टाइप के रेड रेड हो जाते हैं पूरी स्किन पर, तो सर इसमें खुजली भी होती है? हाँ हाँ जी सर, हाँ जी सर, ये पूरे में ऐसे हैं मतलब ये ठीक भी, ओके, हाँ सर इचिंग इचिंग भी है बहुत ज्यादा। बहुत, भी होती है, और इचिंग होते होते फिर वहां पे घाव हो जाते हैं, ऐसा है क्या? या बिना हाँ जी इचिंग सर, वहां पे घाव हो नहीं जाते हैं? पूरे पीछे सब जगह नहीं होते हैं, सब जी जगह नहीं होते, सब जगह नहीं होते हैं, ओके। पैर भर में है अकेले, बाकी कहीं नहीं है। अच्छा पैरों पर मतलब ये घाव टाइप के हो जाते हैं ये? ये उंगली में जरूर, ये बहुत सालों से कट रहा है उंगली जो हमारी है ऐसी वाली, ओके ये इस टाइप से अंगूठे जो है ये ऊपर की लेयर चली जाती है, फिर बिल्कुल एक से हो जाएंगे, फिर कड़ी होकर फिर से स्टार्ट हो जाएगी ऐसी। उसका आपने इलाज लिया है डॉक्टर से प्रॉपर पहले? हाँ पहले एक बार लिए था, रिलीफ मिला अब बहुत कुछ? फिर ठीक ठीक होने का फिर से हो जाता वैसे। हम भी डॉक्टर हैं। ओके, तो इसमें आपको क्या डॉक्टर ने क्या बताया? ये फंगल इन्फेक्शन है, ये स्किन एलर्जी है, क्या बताया डॉक्टर ने? इसके एक बार उन्होंने बताया फोटो एलर्जी है, एक बार बताए थे एलर्जी ओके चलिए कोई बात नहीं, अभी आपके लिए क्या डाइट प्लान सही रहेगा, क्या क्या चीज़ें सही रहेंगी, मैं आपको लेके चलता हूँ डॉक्टर निशा भारती मैडम जी। जी के पास में। मैं चाहूँगा डॉक्टर निशा भारती मैडम जी से कि मैम आप विद द हेल्प ऑफ नेचुरोपैथी एंड विद द हेल्प ऑफ आयुर्वेदा क्या क्या इनको करना चाहिए जिससे कि इनको एक प्रॉपर रिलीफ मिले, मैम प्लीज सजेस्ट कीजिएगा। जी बिल्कुल। सर खाने में क्या लेते हैं? आपका जो डाइट है उसमें नॉन वेज है क्या? नहीं नॉनवेज नहीं, बिल्कुल नहीं है, बहुत सादा खाना लेते हैं हम, अच्छा, और दालें कितनी लेते हैं? दाल अरहर की दाल लेते, मूंग की दाल। अच्छा एक तो अभी सर थोड़े दिनों के लिए आप दाल बंद करिएगा, दाल की जी, जगह आप सब्जी तरी वाली ले लीजिए, सब्जियां ले लीजिए, लेकिन दाल को आप कम कर दीजिए, प्रोटीन कम लीजिए, किडनी के ऊपर कई बारी अच्छा ज्यादा लोड आ जाता है, तो एक तो आपको किडनी को हमें सपोर्ट जी करने के लिए, किडनी के लिए यूरी प्लस है उसको आप लीजिए, प्लस एलर्जी जो ये आपके अभी जी जी एक कुछ दिन पहले गुड़गांव से एक मैडम थी उनको भी इसी तरह के की प्रॉब्लम थी, बहुत ज्यादा पूरे शरीर पे उनको इसी तरह से खुजली थी, और अब बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल हाँ परफेक्ट, ऐसे वो किसी भी तरीके की मतलब उनके भी इतनी खुजली होती थी कि घाव से हो जाते थे, इतनी प्रॉब्लम थी, लेकिन अभी बिल्कुल ठीक है। एंटी जी एलर्जी हमारा एक बहुत ही सुंदर एक बढ़िया इस पे काम करेगा प्रोडक्ट, उसको यूज करिए आप, उसको पीने वाला प्रोडक्ट है उसको यूज करिएगा, सुबह शाम दो दो चम्मच जरूर लीजिएगा, और ये जो घाव जैसे हो जी जाते हैं इसके लिए एक ट्यूब है, ट्यूब जी ठीक को ऊपर से लगा लीजिए ताकि जी जल्दी से भर जाए। जी शुगर तो नहीं है इनको मैम? हाँ आप, आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम है क्या? नहीं प्री डायबिटिक बोलना चाहिए वैसे, 137 है बिफोर मील और आफ्टर मील है 180। नॉर्मली कोई मेडिसिन लेते हैं क्या? नहीं कुछ नहीं, कभी कभी मधुनाशिनी वाटी ली थी हमने पतंजलि की बहुत पहले, अभी ले जाते हैं कभी कभी। तो आप थोड़ा सा बचाव करिए, चीनी वगैरह बिल्कुल मत लीजिए, शुगर को जी जी इस्तेमाल बिल्कुल कम कर दीजिए, और इसमें जी हम इनको 95 सजेस्ट करें तो कैसा रहेगा सर? अच्छा रहेगा, दे 95 सकते हैं को, 95 को आप लेंगे तो आपको रिजल्ट जो है और अच्छे मिल जाएंगे, जल्दी मिल जाएंगे, तो ये बहुत स्थिति अच्छी नहीं है सर, जिस तरीके से आप इसको मतलब परेशानी हो रही है आपको बहुत ज्यादा, और एलोपैथी में तो जो भी आप जी मेडिसिन लेंगे वो बल्कि और ज्यादा आपकी किडनी के ऊपर नुकसान ही जी करेगी, और ज्यादा आपको परेशानी होने वाली है, क्योंकि शरीर पहले ही गंदगी को निकाल नहीं पा रहा और उसमें किडनी अपना फंक्शन अच्छा नहीं कर पा रही, ऊपर से फिर मेडिसिन और ले लें, एलोपैथी और ले लें, तो और ज्यादा हैवीनेस हो जाएगी बॉडी के ऊपर, स्किन के ऊपर। तो अभी आप यही करिए, पानी की मात्रा थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखिए, फल और सलाद चीजों का इस्तेमाल करिए खाने में, और दालें अभी बंद कर दीजिए, इतनी प्रोटीन की जरूरत नहीं है, अच्छा कई बार हम अपने घरों में रोज दालें खाते हैं तो बच्चों के लिए तो ठीक है, जी लेकिन जहां जी पर एज इस तरीके की है कि 40-50 साल 45 साल से ऊपर की एज वालों को ज्यादा प्रोटीन इतनी जरूरत नहीं है, जी जी ठीक है? तो आप तो ये इसमें प्रोडक्ट आप जो बता रहे
जी जी आपको जो आपको प्रोडक्ट, दिखाओ, आपको किसने यहाँ पर इनवाइट किया है आज यहाँ पर? बेटी ने मेरी बेटी है दिल्ली में, उसने ओके, क्या नाम है उनका? दिल्ली में श्वेता द्विवेदी, श्वेता धनोरिया, श्वेता धनोरिया अच्छा, तो वो अभी दिल्ली में यहाँ रहते पर हैं। नहीं, इस वक्त यहाँ पे कनेक्ट नहीं किया है उन्होंने? नहीं अभी देखिए कनेक्ट नहीं हुआ, मुकेश लिंक सर, भेज या दूंगा, लिंक भेज। बताओ, कोई बात नहीं है, मैं लिख लेता हूँ और आप उनको एक बार बता दीजिएगा, वो हमसे एक बार कंसल्ट कर लेंगी, तो पे वो क्या क्या बात कर प्रोडक्ट्स जिनको लेंगी। लेने हैं जी वो जी हमसे बात कर लेंगे, हम उन्हें बता देंगे आपको क्या क्या प्रोडक्ट्स देना है, मैं नोट जी कर लूंगा वही बार। आपको कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? अच्छा आप ये बिल्कुल 100% बहुत ही प्योर बेहतरीन जड़ी बूटियां हैं जिनके ये प्रोडक्ट बने हुए हैं, और आयुष जो हमारा है उसका ये बेस्ट प्रोडक्ट है, ये इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं, तो ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। बहुत बढ़िया तरह से आप इससे अपनी जो प्रॉब्लम है इससे जो पूरी तरह से बाहर निकल सकते हैं। बीएमएस डॉक्टर हूँ, यहीं पे प्रैक्टिस करता हूँ चरखारी में। अच्छा सर, आप खुद डॉक्टर हैं? हेलो, जी हेलो हाँ ना, जी, जी, मैडम हेलो, आवाज कट रही क्या? आप हाँ प्रैक्टिस जी कर रहे हैं, आप खुद डॉक्टर हैं? हाँ जी जी यहीं पे चलिए, ये तो चरखारी में बहुत है। बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। आप अच्छे से समझ के सारी चीजों को लीजिए और अपने आप को जल्दी से जल्दी सर बिल्कुल फिट करिए, स्वस्थ करिए एकदम। जी 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 मैम, तो उसकी लिंक श्वेता के पास पहुंच जाएगी, श्वेता बताएंगी हमें, मेरी हाँ बेटी जी, हाँ बताएगी। जी, श्वेता जी को बोल दीजिएगा, एक बार वो बात कर लेंगी, वो या तो मैडम से बात अच्छा कर लेंगी, उनके पास में हमारे नंबर अवेलेबल होंगे, बोले कि आप एक बार मैम जी, से बात कर लीजिए, नहीं तो आप एक बार नंबर नोट कर लीजिए, तो यदि उनके पास नंबर नहीं भी होगा तो वो हमें फोन कर लेंगे, एक बार नंबर नोट कर लीजिए आप। चैटिंग में नंबर डाल देते हैं, जी नंबर बताइए। ठीक आप खुद नोट कर लीजिए, आप बाद में कॉल कर लीजिएगा, बात कर लीजिएगा। है, हाँ आप नंबर नोट कर लीजिए एक बार और फिर हाँ आप जी, फोन करवा लीजिएगा, चैट बॉक्स में हाँ अभी जी हम नंबर नंबर डाल देते हैं। हाँ, 9219 60 ठीक, 9219 60 0 6727। 6727। ओके सर, ये तो पूरी दस्तक एलके बताया। शर्मा जी, एलके शर्मा जी बता रहे हैं, उनके जानने वाले हैं। हाँ, तो जी उनको फोन कर लेंगे, वो बता देंगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और मैं एलके शर्मा जी को भी परमिशन दे देता हूँ, तो एक बार एलके शर्मा जी भी आपको नंबर दे देंगे अभी। शर्मा जी एक बार बात कर लीजिए, प्लीज अनम्यूट कीजिए। हाँ यस सर। यस यस, प्लीज बता दीजिए। सर ये श्वेता दुनेरिया जी के फादर हैं, ओके और अभी भी उनका कॉल आया था कि मैं उनको कनेक्ट करती हूँ, तो मैं क्या डायरेक्ट बात कर ओके लीजिए उनसे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो शायद तभी उन्होंने, मैं भी नहीं जानता था इनको, तो अभी जैसे इन्होंने बोला श्वेता दुनेरी, तभी मुझे पता चला कि ये। वेरी गुड, जी, बहुत सुंदर। तो एक बार तो ओके, रिपीट कर दीजिए सर, जो जो इनको बताया आपने, मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इनको एक तो 9E5 देना है, ब्लड ओके प्यूरिफायर, यस, एंटी एलर्जी, ओके यूरी फ्लश, है ना, और ओके वुंड डीलिंग दे दीजिएगा, वुंड्स के लिए, यदि सर, घाव ओके हो रहे हैं तो उसके लिए वुंड डीलिंग दे दीजिएगा। ओके सर, बाकी ओके। डॉक्टर साहब, फ्लू कैनाजोल वगैरह पहले आपने यूज किए क्या एलोपैथी में? कैनाजोल खाए थे पहले हमने फ्लुकोनाजोल, और लिया इसके बाद आपने? एंटी एलर्जी के एक डॉक्टर साहब ने लिखे लिपोसिटेन मोंटिलिकॉस, वो हाँ, भी खाए थे, सिटोजिन तो वो एंटी एलर्जी ही, वो और एंटी जी एलर्जी क्या है वो, एलर्जी सब ठीक। और जी सेरिवा वगैरह यूज किया है? अब वो बंद कर। सेरिवा यूज किया है? जी सेरिवा, सेरिवा ऑइंटमेंट, नहीं सेरिवा ऑइंटमेंट, नहीं कोई बात नहीं, चलिए ठीक नहीं है। क्या है, अनकेश जी, आप ये वुंड डीलिंग दे दीजिएगा लो सर, लो है ना? लोशन जरूर। हाँ, कोई बात नहीं, अभी बता दिया सर, ये आपको दे देंगे, आपको रिलीफ मिलेगा, आप यूज कीजिए इनको एक बार। अच्छा ठीक है सर, ओके सर, ओके, नमस्कार सर। ठीक चलिए नेक्स्ट, अभी मैं आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ प्रदीप कुमार जी को, बिजनौर से। जी प्रदीप जी, प्लीज वेलकम। नमस्कार, हेलो सर जी, नमस्कार सर जी। हमारे एक साथी हैं रजत जी सर, ओके, उनके फादर को कुछ प्रॉब्लम है तो वे बताएंगे। हेलो बात कर रही है रजत जी, रजत जी, जूम हॉल में अलग से कनेक्टेड हैं क्या? हाँ इधर जूम में ही है।
ओके ओके, तो एक सेकंड मैं इनको पहले परमिशन दे देता हूँ। जी रजत जी अनम्यूट कीजिए। यस यस अलाउड, परमिशन दे दी, आप अनम्यूट कर लीजिए, दोबारा से अनम्यूट कीजिए, फिर म्यूट हो गया आप। यस नमस्कार सर। हाँ नमस्कार रजत जी, बोलिए। सर मेरे फादर को 2021 में एक साइड से पैरालाइज का अटैक हुआ था। लाइक हैंड मूवमेंट ऑटोमेटिकली करने लगा था, देन उनकी वॉइस में भी डिफर हो गया था, डिफरेंस आ गया था। तो फिर हमने डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराया, दो तीन जगह से उनका ट्रीटमेंट चला और अभी भी उनका ट्रीटमेंट जॉली ग्रांट से चल रहा है। तो अभी भी उनको एक तो वॉइस प्रॉपर नहीं हो पाई है उनकी, अभी भी वॉइस पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और दूसरी चीज़ है कि मतलब जब वो बात करते हैं ना तो ऐसा लगता है कि जैसे बच्चों की तरह बात करें, मतलब पहले जैसे थे ना प्रॉपर वैसे सोचने की क्षमता मतलब वो बहुत कम हो गई है। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी कोई ट्रीटमेंट चल रहा है उनका? हाँ उनका ट्रीटमेंट अभी भी जॉली ग्राउंड से चल रहा एज कितनी है? फिफ्टी है, एज अराउंड 54-55। फोर 55 एज है उनकी। जी तो प्रदीप जी, प्रदीप जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। प्रदीप कुमार जी सर, हाँ सब जी, आप है ना नोट कीजिए इनको देना क्या क्या है। एक तो फाइट स्ट्रेस जी। देना है, फाइट सॉरी स्ट्रेस, फाइट स्ट्रेस हाँ, उसके बाद 95 95 देना है इनको, ब्लड प्यूरिफायर देना है, उसके ठीक चंपियोल की मालिश होनी है इनके शरीर की। हल्के हाथ से चंपियोल लगवाएंगे, हफ्ते में 3 बार 4 बार जितनी बार भी आप लगवा सकते हो उतना ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ये नहाने से 1 घंटा पहले हल्की सी मसाज करनी है ऊपर से नीचे को, और फिर इनको है ना गुनगुने पानी से नहलाना है 1 घंटे बाद। ये काम ठीक छोड़ के एक दिन आप कर लीजिए तो बहुत अच्छा है। हाँ सर। जी अभी जो है उनको प्रॉब्लम जो है बस केवल वॉइस में है, बाकी हैंड हल्का हल्का मूवमेंट करता है अभी कोई भी, बात नहीं, वो सब बाकी चीजों में और इम्प्रूवमेंट सब हो जाएगा कुछ। उनको। एक्चुअली उनको है ना वो न्यूरो इफेक्टेड है, उनको जो प्रॉब्लम है ना ये पैरालिसिस जो प्रॉब्लम है ये न्यूरो प्रॉब्लम है एक्चुअली, राइट जी ना। हमारा जो न्यूरो फंक्शन है ना पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, और वो अभी प्रॉपरली जैसा आपने बताया वो अभी ठीक नहीं है। तो ये जी जितनी भी सारी चीजें जो मैंने आपको जो सजेस्ट की है, ये सारी की सारी चीजें उनको है ना, उनको जो सिस्टम है उनका नर्वस सिस्टम है उसको सब कुछ सही करेंगी, प्लस उनको जो भी डैमेज हुआ है, जो भी न्यूरल डैमेज जो उनका हुआ है उसमें ये सारी चीजें उनको इम्प्रूवमेंट करने वाली है। तो आप उनको ये करवाइएगा। बाकी खाने पीने में क्या पोजीशन है, प्रॉपर खा पाते हैं कि भी नहीं खा पाते हैं? कुछ चीजें जैसे कि कुछ सलाद वगैरह खाने के लिए कुछ बोला जाए उनको, तो या कद्दूकस करके आप उनको देंगे? नहीं खाना पीना सब कुछ खा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, वैसे प्रॉपरली खा रहे हैं तो चलिए। हाँ बाकी तो ये प्रोडक्ट्स जो आपको मैंने बताया ये दे दीजिए। ठंडी चीजों का एक तो परहेज करवा दीजिएगा, ठंडी चीजें न ठीक ले है, हो, और अभी उनका ट्रीटमेंट जो चल रहा है सर जॉली ग्राउंड से फिर। तो वो कंटिन्यू रहने दीजिए। इसको साथ साथ दे दीजिए, इनको साथ साथ दे अच्छा सकते हैं, बस लगभग 1 घंटे का सिर्फ गैप रखिएगा सारी चीजों में। एक मतलब घंटे आपकी कोई का भी मेडिसिन चल रही है तो लगभग उसमें 1 घंटे का गैप देके ये सारी चीजें आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक ठीक है। है, ठंडी ठीक चीजों का परहेज करना है, और तकिया सर के नीचे न लगा के पैरों के नीचे उनका तकिया लगवाइएगा, पैर हल्के से ऊपर रहे, ब्लड फ्लो सर की तरफ ज्यादा रहे, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। सर एक बार हाँ रिपीट करेंगे सर, मेडिसिन से प्रदीप सर ने लिख लिया है, मैं रिपीट कर देता हूँ। नोट कर नाइन्टी ली सर फाइव वैसे कर नाइन्टी लिए। फाइव 1 पाउच एवरी डे एम्प्टी स्टमक, 1 पाउच एवरी डे एम्प्टी स्टमक, खाली पेट, ठीक इसको लेने के बाद 1 घंटे तक कुछ भी लेना नहीं है। ओके इसको गुनगुना पानी, थोड़ा सा हल्का तेज गर्म पानी में वो 1 ग्लास में ये 1 पाउच डाला जाएगा कांच के ग्लास में, उसको फिल कर लीजिए पूरा पानी से, और जैसे चाय पीते हैं वैसे उनको सिप कर करके पीना है ठीक ना। और 1 घंटे है का कुछ भी खाना पीना नहीं है। उसके ठीक बाद में फिर मैंने बताया उनको ब्लड प्यूरिफायर,
ब्लड क्वालिफायर खाना खाने के 10 मिनट बाद उनको दो दो चम्मच सुबह शाम देना है। ठीक है उसके बाद मैंने बताया फाइट स्ट्रेस कैप्सूल, फाइट स्ट्रेस कैप्सूल खाना खाने के 1.5 घंटे बाद देना है, एक सुबह एक शाम। ठीक है कम से कम 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ, 1 से 1.5 गिलास गुनगुना पानी दे दीजिएगा, है ना? और 2-2 चम्मच सुबह शाम ब्लड प्यूरिफायर, ठीक है, वो भी लेवागेन जब देंगे उसके 5 मिनट बाद दे दीजिए। ठीक है सर। ठंडी चीजों का परहेज करना है, ठंडी कोई चीज उनको देनी नहीं है। हाँ चंपी ऑयल और मैंने बताया जो एक दिन छोड़ के एक दिन फुल बॉडी मसाज करवा दीजिए हल्के हाथ से, ज्यादा रगड़िएगा मत, और 1 घंटे बाद गुनगुने पानी से नहला देना है। ऑयल लगाने के बाद उनको, ऑयल लगाने के बाद उनको पंखे में नहीं लेटाना है, पंखा बंद कर देना है 1 घंटे तक, नहलाने के बाद ही, फिर बाद में बेशक वो बाद में पंखा चला लें, लेकिन ऑयल लगाने के बाद और नहाने के बीच में वो पंखा यूज न करें, पंखा एसी से अलग रहे 1 घंटे तक। ठीक है सर। एसी तो वैसे भी अगर चलता हो तो एसी तो अवॉइड ही करिएगा उनके लिए, या फिर नहीं सर एसी 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 नहीं, बस तो ठीक है फिर कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी मैं चाहूंगा सर हमारे बीच में डॉक्टर रविंदर सर इसमें और कुछ ऐड करना चाहें या फिर कुछ नहीं? ठीक है मुकेश जी यही यही चलेगा बस। हाँ बस तो ठीक है सर। रजत जी ये आप दीजिए बिल्कुल आपको रिलीफ मिल जाएगा, बिल्कुल रिलीफ मिलेगा, विद इन ए मंथ आपको डिफरेंस दिखाई देने लगेगा उनकी वॉइस में भी और उनके ओवरऑल फंक्शन में भी। ठीक है सर। ठीक है वीकनेस तो नहीं है ज्यादा? हाँ वीकनेस भी है, पहले से वीक हो गए हैं वो। यदि वीकनेस ज्यादा है तो स्पिरुलिना गोल्ड कैप्सूल आता है वो और एक ऐड कर लीजिए, तो वो उनकी वीकनेस को खत्म करेगा, उनके शरीर में जान डाल देगा स्पिरुलिना गोल्ड, एक एक सुबह शाम। ठीक है सर। ठीक है सब सारी मेडिसिन वार्म वाटर से गर्म पानी से लेनी है हल्के। हाँ गुनगुना पानी ले लें, ज्यादा तेज गर्म ना हो, बस जो 95 है वो हल्का सा तेज गर्म रखना है, बाकी सारी चीजें नॉर्मल पानी से हल्का सा वार्म वाटर। ठीक है ओके सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। वेलकम कौशिक जी, प्लीज नमस्ते सर। जी मैम नमस्ते, बोलिए सर। मेरा एक बेटा है वो 8 साल का है सर, लेकिन उसकी जो लंबाई है नहीं वो मोटा होता है नहीं लंबा होता है, मतलब वहीं की वहीं रुका हुआ है, बहुत कमजोर महसूस होता है, लेकिन वैसे खेलने कूदने में और पढ़ने में बहुत एक्टिव है, ऐसे देखने से नहीं लगता कि ये ऐसा है, लेकिन वो मतलब मोटा नहीं होता नहीं बढ़ता है। ओके यानी उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है प्रॉपर। जी सर। चलिए कोई बात नहीं, मैं अभी लेके चलता हूँ आपको माननीय डॉक्टर रविंदर सर के पास, और सर से चाहूंगा कि सर सजेस्ट करें कि उसकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए उसको क्या क्या प्रोडक्ट दिए जाए। प्लीज वेलकम सर। उसकी ग्रोथ के लिए उसका जो खाने का जो शेड्यूल है वो प्रॉपर है क्या? जी सर खाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, बस 2 चीज ऐड करा दीजिए मैडम उसको, लिवगेन और न्यूट्री लाइफ देना स्टार्ट कर दीजिए आप। सर न्यूट्री लाइफ तो वो खा ही रहा है कम से कम 1 साल से। अच्छा जी सर। लिवगेन और ऐड करा दीजिए उसका, फिर आप बता दीजिएगा 1 महीने के बाद में बताइए, लिवगेन और देना शुरू कर दीजिए उसके साथ। जी सर। ठीक है सर, सर सर मुझे एक दिक्कत है सर, मेरे सिर में जो पेन रहता है मतलब ये जो दिमाग की नसें ये फूल जाती हैं दोनों साइड की, और गर्दन तक अकड़ापन रहता है जिससे मुझे घबराहट होती है, मतलब चक्कर से भी आने लगते हैं सर। ओके ये कब से हो रहा है आपको? मतलब पहले भी हुआ था तो मैंने डॉक्टरों से दवाई ली तो उसके बाद ठीक हो गया था सर, लेकिन अब 2 महीने के करीब से फिर ऐसा ही है। वो क्या बताते हैं डॉक्टर? उन्होंने तो ये बोला था कि सीटी स्कैन वगैरह कराओ उसके बाद बताएंगे। आप ये वैसे सीटी स्कैन एक बार आप करा लीजिए और उसकी रिपोर्ट आप भेज दीजिएगा मुझे, एक बार देख के फिर मैडम मैं आपको बता पाऊंगा सही तरीके से, क्योंकि ये न्यूरो का मैटर है, तो अगर एक बार अगर आपकी रिपोर्ट आ जाती है सीटी स्कैन की तो उसके बाद आपको सजेस्ट करना और कुछ भी उसी के रिपोर्ट के आधार पे डायग्नोज करके मैं आपको कुछ प्रॉपर बताऊंगा। शरीर में सर थकावट बहुत होती है, मतलब महसूस थकान बहुत महसूस होती है। थकान अगर आपको होती है तो आप स्पिरुलिना चालू तो अभी से कर दीजिए, लिवगेन और स्पिरुलिना लेना स्टार्ट कर दीजिए, साथ में अपनी ये रिपोर्ट और करवा। ठीक है सर।
सारे सारे टेस्ट करा लीजिए मैम, जो भी हैं थायराइड वगैरह या और भी कई सारी चीजें, कंप्लीट टेस्ट करा लीजिए, फुल बॉडी टेस्ट होता है, ताकि और भी कुछ चीजें परेशानी हो तो वो भी पता चल जाए। जी मैम, थैंक यू। अभी संगीता देवी मैम को बुलाना चाहेंगे, अनम्यूट कीजिए संगीता मैम, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए दोबारा। यस मैम। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरे पास एक बच्ची बैठी है, ये कह रही कि मेरे बाल बहुत झड़ा है, इसके लिए कुछ चाहिए। बात करवाइए। नमस्ते सर। नमस्ते जी। नमस्ते, बेटा ज्यादा शर्माने की वजह से बाल झड़ रहे हैं तुम्हारे, अब प्रॉब्लम बताओ, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारे? हाँ, इसके बाल घने नहीं है और झड़ते हैं। अच्छा, कितनी है इसकी उम्र? कितनी है उम्र सर? हो गई है 17-18 साल की। 17-18 साल है। चलिए, इसको हार्मोनल प्रॉब्लम है। मैं चाहूंगा डॉक्टर निशा भारती मैडम जी से, वो एक बार आपको बताएंगे प्रॉपर तरीके से क्या आपका ट्रीटमेंट करना है। प्लीज मैम थोड़ा सा बताइए इन्हें। जी बेटा, कब से का ये प्रॉब्लम आपको, कितने टाइम से है बाल झड़ने की? मैडम नमस्ते। मैम नमस्ते जी। नमस्ते बेटा, कब से बाल झड़ रहे हैं? बाल तो मेरे 2-3 महीने से झड़ रहे हैं ज्यादा। 2-3 साल हो गए हैं, मगर अब ज्यादा झड़ने लगे हैं। अच्छा, खाने पीने का आप ठीक से रखते हो, या खाने पीने में ये पसंद है वो पसंद नहीं है, ये ऐसा रहता है? खाना पीना तो सही खाती हूँ मैं। बढ़िया से दाल सब्जी रोटी जो भी घर में बनता है सब खा रहे हो? हाँ। अच्छा, थोड़े दिनों के लिए अपना ये फ्रूट, घर में जो भी हमारे जो बाजार में फल आते हैं वो फल भी लेना शुरू करो, थोड़ा 500 ग्राम कम से कम डेली। और सलाद लेना जरूर शुरू करो, सलाद कच्चा, जो खीरा टमाटर ये चीजें होती हैं, खाना खाने से 1 घंटे पहले, आधे घंटे पहले थोड़ा सलाद लेना शुरू करो, उससे विटामिन्स और मिनरल्स मिलेंगे जो कि आपके बालों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी तरीके से काम करेंगे। और इसके अलावा पीरियड्स वगैरह ठीक हैं क्या? पीरियड्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? एकदम राइट टाइम पे रहते हैं? हाँ। चलिए बहुत बढ़िया है। अगर पीरियड्स से रिलेटेड कोई भी तकलीफ होगी तो बता देना संगीता मैडम को, बता देना, क्योंकि उसके लिए वो जब तक ठीक नहीं होगा तब तक भी ये प्रॉब्लम बनी रहती है। और इसके अलावा से बोल दूंगी है, ठीक है, इनसे बुआजी से बोल दूंगी। हाँ, इनको डिटेल में बता देना, ताकि ये बता देंगी हमें तो उस चीज का भी ट्रीटमेंट हो जाए, पता चले कि वो ट्रीटमेंट हो नहीं तो फिर वो भी नहीं ठीक होगा। तो कई सारे कारण होते हैं बाल झड़ने के। और इसमें आपको एक ऑयल है, महाभृंगराज ऑयल, वो आप ले लीजिएगा। महाभृंगराज ऑयल वो जरूर आप बालों पे यूज करिए। तो मैम ये बाल जो है, ये तेल जो बता रही है, तेल बता रही हूँ, और इसके अलावा एक कैप्सूल है आप लीजिए उसको, ये अपना स्प्रिलुना गोल्ड, स्प्रिलुना गोल्ड कैप्सूल है, इसको रेगुलर लीजिए, सुबह शाम दोनों टाइम ले लीजिए, तो जो भी शरीर के अंदर जिस भी मिनरल्स की और उसकी कमी है वो पूर्ति हो जाएगी। क्योंकि बालों को झड़ना सिर्फ बालों तक ही नहीं होता, अंदर का न्यूट्रिशन भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप स्प्रिलुना गोल्ड लीजिए, या फिर अगर जरूरत पड़ेगी तो और इसमें हमारे पास जैसे पाउडर वगैरह है वो यूज करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप अभी स्प्रिलुना गोल्ड और इसको महाभृंगराज ऑयल को यूज करिए। बाकी डाइजेशन, अभी वेट कितना है आपका? लिव अगेन और ऐड कर लीजिएगा संगीता मैम, इनके लिए लिव अगेन और यूज कर लीजिए। संगीता मैम, इन्हें लिव अगेन, स्पिरुलिना गोल्ड, महाभृंगराज ऑयल और इन्हें कंप्लीट केयर शैम्पू, राइट ना? ये चीज देना है, नोट कर लीजिए संगीता मैम। हेलो सर जी, नोट कर लीजिए जो भी इनको देना है। आवाज कम कर रही है। यस हेलो सर, प्लीज अनम्यूट कीजिए जी संगीता मैम।
रीना मैम अनम्यूट कीजिए। यस संगीता मैम नोट कर लिया आपने? कोई नहीं, मैं चैट बॉक्स में डाल देता हूँ इनको क्या क्या देना है। यस रीना मैम आप बताइए प्लीज। हेलो सर। रीना मैम बोलिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो गुड इवनिंग सर। आवाज नहीं आ रही मैम, आवाज बहुत कम आ रही है। हेलो सर। हाँ जी बोलिए सर। एक भाभी है, उनसे मैंने बोला था पर आवाज नहीं आ रही मैम आपकी। आवाज नहीं आ रही? नहीं बहुत कम आ रही। लगा रखी है तो निकाल दीजिए, लीड हटा के बात करिए तो ज्यादा दीजिए। वैसे बोलिए आप। नहीं सर लीड नहीं लगा रखी है। लीड नहीं है लगा रखी है? हाँ तो आप बोलिए। नहीं आ रही आपकी आवाज, मुझे ही नहीं आ रही, किसी को भी नहीं आ रही। नहीं आ रही है आवाज, नहीं आ रही मैम। आपके मोबाइल में कुछ माइक में प्रॉब्लम हो रही है, उसको थोड़ा सा आवाज तो बंद, मोबाइल को आवाज तो बंद नहीं है उसकी। नहीं सर आवाज ठीक है। कोई नहीं आवाज हाँ कभी कभी आती है थोड़ी सी फिर चली जाती है। सर एक भाभी है उनसे तो मैंने कनेक्ट कर बोला था, उनसे कनेक्ट नहीं हो पाया। और सर आप अपनी प्रॉब्लम है ना एक बार चैट बॉक्स में डाल दीजिए, चैट बॉक्स में लिख दीजिए। आवाज नहीं आ रही है मैम, रीना मैम आपकी आवाज नहीं प्रॉपर आ रही है। चैट बॉक्स में लिखिए क्योंकि समझ में नहीं आएगा तो कुछ नहीं बता पाएंगे। राइट चलिए नेक्स्ट आचार्य आशीष कौशिक जी। नमस्कार सभी लीडर्स को। नमस्कार जी। सर हमारे एक मिलने वाले हैं, उनकी नाक में हल्का सा दाद हुआ है, दिखता नहीं ज्यादा लेकिन शुरुआत सी हुई है अभी दाद की। और मैंने उन्हें एंटी एलर्जी मल्टीगार्ड ब्लड प्यूरिफाई और वो चेहरे के लिए फेयरनेस क्रीम भी दी थी उन्हें और वो लिवागेन सिरप भी है, तो वो तीनों चीज दिए और उनके हल्के बाल भी झड़ रहे थे तो वो माँ बरंगराज तेल और एंटी डैंड्रफ शैम्पू भी दे दिया था उनको। तो वैसे भी दिन तो ज्यादा नहीं हुए उन्हें यूज करते करते, लेकिन वो उनका कहना यह है कि मुझे आराम नहीं लग रहा। अब मैंने उसे उनसे ये कहा कि लगभग 10 से 15 दिन तक आप ढंग से यूज करिए, उसके बाद धीरे धीरे आराम होना शुरू होगा, मतलब ठीक होना शुरू हो जाएगा। एंटी एलर्जी भी दी थी उनको, तो एक बार सजेशन दीजिए सर कोई। एक है ना सिर्फ नाक के ऊपर ही है बस, और कहीं नहीं है ना दाग। हेलो आशीष कौशिक जी अनम्यूट कीजिए। सर मतलब एक फुंसी भी थोड़ी बहुत निकल रही है उनको बाजू पे या थोड़ा पेट पे ऐसे, वो फुंसी सी निकल रही है उनको, निकल जाती है फिर ठीक हो जाती है, इस तरीके का भी है उनके। आपने दिया है उनको एंटी एलर्जी मल्टीगार्ड ब्लड प्यूरिफाई लिवागेन सिरप लिवागेन सिरप दिया हुआ आपने उनको। जी ओके, कितने दिन हो गए दिए हुए? लगभग पिछले संडे को दिया था सर, इस संडे से। इम्यूनोथ्री और ऐड कर दीजिए इसमें। जी इम्यूनोथ्री और ऐड कर दीजिए और पूरा एक महीना उनको खिलवाइए और बोले फिर एक महीने बाद बताइएगा। जी है ना, पूरा एक महीना यूज करवाइए, इम्यूनोथ्री और ऐड कर लीजिए बस, सुबह शाम दोनों चीज। जी ठीक है। डेली डिटॉक्स नहीं, तो नहीं वो तो देने को तो कुछ भी दे दीजिए, डेली डिटॉक्स भी नुकसान तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन इस प्रॉब्लम के लिए आप उनको इम्यूनोथ्री और ऐड कर दीजिए। जी इसमें, और मुकेश जी इसमें ना सिट्रस फूड और इसमें से जैसे फ्रूट्स में आजकल संतरा आ रहा है या नींबू है, आंवला है, इसका भी उपयोग खाने के अंदर होना चाहिए इनके में। बिल्कुल विटामिन सी वाली जो चीजें हैं इसीलिए मैंने इम्यूनोथ्री सजेस्ट किया है, क्योंकि उसके अंदर आंवला है, विटामिन सी है, इनको विटामिन सी चाहिए इनकी स्किन के लिए। अलग से भी दे दीजिए, अलग से भी ले लो, मतलब जो सिट्रस फ्रूट्स है वो ले लीजिए, संतरा है, मौसमी है इस टाइम पे है ना, अभी जितने भी खट्टे फल होते हैं ये, तो उनको बोलिए ये भी लेने के लिए। एक्चुअली क्या उनकी उम्र तो ज्यादा नहीं है, 22-23 की उम्र है, वो दौड़ भी लगाती है सुबह, एक्सरसाइज भी करती है, वो पुलिस की तैयारी भी कर रही है, लेकिन उनको ये प्रॉब्लम है थोड़ी सी। कोई बात नहीं, आप ये दीजिए उनको है ना।
उनका पीरियड्स का भी पता कर लीजिए, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है पीरियड्स से रिलेटेड, तो कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि इस तरीके की ये फुंसी और ये सब जो बता रहे हैं आप, कई बार इंबैलेंस की वजह से भी होता है ये। मैं कल फोन करके बात कर, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, जब हार्मोनल इंबैलेंस हो तो साथ में वुमन कंपेनियन भी दे दीजिएगा फिर। जी जी है ना, इम्यूनिटी वुमन कंपेनियन ऐड कर लीजिएगा दोनों चीजें। ठीक है, यस संगीता मैम, दोबारा कुछ पूछना चाहती हो आप? हेलो संगीता मैम, रेनु शर्मा जी, रेनु मैम कुछ पूछना चाहती हैं, अनम्यूट कीजिए। नमस्कार सभी सीनियर्स को। नमस्कार जी। सर मैं ये पूछना चाह रही थी, हमारे एक भाभी लगती हैं और उनको थायराइड है। ओके। उन्होंने चेकअप कराया, उनकी जो गर्दन है वो काफी मोटी भी हो गई है, तो मेडिकल का इलाज भी चल रहा था। आवाज कर खी टीवी की ना सुनो यार, तो मेडिकल में उनका ऑपरेशन बोल दिया है। ओके। तो भाभी जी कह रही थी कि एक बार आप सर से पूछ लीजिए, तो अगर तुम्हारे प्रोडक्ट से हो जाए तो ऑपरेशन ना कराना पड़े। कोई बात नहीं, मैं मैम से चाहूंगा एक बार वो आपकी प्रॉब्लम को प्रॉपरली और अच्छे से सुन के आपको सजेस्ट करेंगी कि उसके लिए क्या बेटर रहेगा। सो मैम प्लीज देखिएगा इनके मैटर में एक बार। यस रेनू मैम, थायराइड की प्रॉब्लम है उनको। थायराइड कितना है उनका, रिपोर्ट क्या रही है? मैम ये तो मैंने चेक नहीं किया, मुझे अभी व्हाट्सएप पे एक रिपोर्ट भेजी है, मैंने सर को भेजी थी। हाँ तो थायराइड की प्रॉब्लम है, और ऑपरेशन अगर किस चीज के लिए, ऑपरेशन के लिए क्या, किस चीज के ऑपरेशन के लिए बोल रहे हैं? गले के नीचे काफी मोटा हो गया है फोड़ा की तरह, तो गले का ऑपरेशन के लिए बोल रहे हैं कि गले के जो थायराइड की जो तितली जो होती है वो बड़ी हुई है, ग्लैंड का साइज बढ़ गया है बता रहे हैं। जी जी जी। हाँ तो कोई बात नहीं, आप एक तो उसकी रिपोर्ट भेज दीजिए प्रॉपर, ताकि देख ले कितना क्या है, और थाई हेल्थ और उनका 95 ये जरूर शुरू करा दीजिए, तुरंत शुरू करा दीजिए और देखिए क्या रिजल्ट आता है। और प्रोबायोटिक, प्रोबायोटिक भी मैम साथ में दे दीजिए। सर क्या? प्रोबायोटिक, थाई हेल्थ, प्रोबायोटिक और 95। जी 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 सर, ये शुरू करा दीजिए, तुरंत उनको शुरू करा दीजिए। बॉडी की कितनी एज बता रही हैं आप? लगभग है 35-40 के आसपास है। हाँ तो देखिए बॉडी अगर रिस्पॉन्स करेगी तो उनको जल्दी असर दिखेगा, और ये जो कॉम्बिनेशन है उनको बहुत अच्छा काम करेगा। तो शुरू करा दीजिए और रिपोर्ट्स भेज दीजिए, ताकि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, कितनी है, कितना बढ़ा हुआ है थायराइड और क्या परेशानी है, वो चीज क्लियर हो जाए। और जैसे ही महीना दो महीना में ही पता चल जाएगा, अगर रिजल्ट आना शुरू हो गया, उनकी बॉडी रिकवर और बेटर होनी शुरू हो गई, तो फिर आप 5-6 महीने लगातार चलाते रहिए, वो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। मैम मैंने रिपोर्ट और इनके फोटोज आपको सेंड कर दिए हैं, आप इनको मैम वुमन कंपेनियन और साथ में सजेस्ट कर सकते हैं, वुमन कंपेनियन और दे सकते हैं साथ में। बिल्कुल बिल्कुल, ये थायराइड का भी जो फंक्शन है वो, अगर हमारा जो यूट्रस से रिलेटेड फंक्शन डिस्टर्ब होते हैं तो थायराइड पे भी उसका असर आता है, तो वुमन कंपेनियन भी इनका चालू करा दीजिए। वुमन कंपेनियन 95, प्रोबायोटिक है ना जी, और थाई हेल्थ आप इनको देना चालू कर दीजिए, और एक महीना भी ऑपरेशन न करवा के एक महीने में चेक कर लो कितना रिलीफ है, और थाई हेल्थ खाली पेट देना है। हाँ 95 और थाई हेल्थ दोनों खाली पेट है, और ये एक महीने में देखिए कितना रिलीफ मिलता है, उसके बाद में ये रिलीफ मिल गया इनको फिर इसको कंटिन्यू कर दीजिएगा, फिर ऑपरेट नहीं करवाना पड़ेगा। सर एक बार प्रोडक्ट के नाम व्हाट्सएप कर दीजिएगा बाद में। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट अजब सिंह फौजी साहब कुछ पूछना चाहते हैं। जी फौजी साहब अनम्यूट कीजिए। अजब सिंह फौजी, नमस्कार सर। जी सर नमस्कार। मैं लेट रहा, हमारा कर्ता धर्ता बहुत बीमार हो गई, हॉस्पिटल से लेकर आया हूँ, अभी तो अटेंड नहीं कर पाया, टाइम से भी लेट आया, तो अभी अटेंड कर रहा हूँ। कोई बात नहीं बताइए। हमारे संभल के एक नए लोग ज्वाइन हुए हैं जी, और उनकी मिसेज को प्रॉब्लम है, उन्हें चेकअप करा ले, थायराइड वगैरह नहीं है, ये सब चेक करे, और 6-7 साल से उनका इलाज चल रहा है। ओके। उनको दर्द शुरू होता है कंधे से, हाँ, और नीचे पैर तक चला जाता है, और इससे ठीक हो जाता है, दूसरे में हो जाता है इस तरह से। तो क्या क्या देना चाहिए उनको?
एक्चुअली उनको है ना वो जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर नहीं है, तो मैं चाहूंगा एक बार डॉक्टर रविंदर सर सजेस्ट करेंगे प्लीज आपको क्या क्या उनके लिए करना चाहिए। हाँ, इसमें मुकेश साहब एक तो इनका ना जो वायु दोष है वो ज्यादा प्रबल है, और इनको इम्यूनोथेरेपी देना है, 95 देना है, और डेली डिटॉक्स इनको दे दीजिएगा, और लिप गेन भी साथ में इनका चालू करा दीजिए। ठीक है फजी साहब? ठीक है साहब, 95 इम्यूनोथेरेपी, 95 खून साफ करने के लिए प्यूरीफायर, ब्लड प्यूरीफायर। हाँ जी हाँ जी, 95 ब्लड प्यूरीफायर, इम्यूनो 3, और क्या बताया? लिव अगेन सिरप या कैप्सूल? बस नहीं, कैप्सूल नहीं, लिव अगेन सिरप, लिव अगेन सिरप दे दीजिए। अच्छा, हफ्ते में एक दिन। अच्छा, दूध दूध से बनी चीजें बंद करा दीजिए, और कुछ दिनों के लिए दालें भी बंद करा दीजिए इनकी। दाल? हाँ जी, दाल और दूध से बनी चीजें, दूध और दूध से बनी चीजें। ओके सर। चीनी मैदा वैदा सब बंद करा दीजिए इनके कुछ दिनों के लिए। ठीक है सर, और ये चालू करा। थैंक यू। यस संगीता मैम, बताइए। हेलो सर, एक बच्चा है, ये अपना बारे में बताना चाह रहा है, इसकी हेल्थ बढ़ रही है। बताइए। नमस्ते। ये हेल्थ की वजह ये है। अच्छा, मतलब क्या वजन बढ़ रहा है आपका? हाँ हाँ। गोलगप्पे खाते हो? गोलगप्पे, चाउमीन, ऐसी चीजें खाते हो? नहीं खाते? हाँ खाते हैं। ओके, तो गोलगप्पे खा के गोलगप्पा तो बनना ही पड़ेगा फिर। चलो कोई बात नहीं, मैं सर से पूछता हूँ आपके लिए क्या बेटर रहेगा, प्लीज सर थोड़ा सजेस्ट कीजिए इनको। पहले तो इनसे ये कह दिए कि हमें ये गोलगप्पे और ये चाउमीन वगैरह का ये इसका परहेज रखना है, और सीजनल फ्रूट खाना है, और इनको लिव गेन और न्यूट्री लाइफ इनका चालू करवा दीजिए। जी सर। ठीक है मैम, लिव अगेन न्यूट्री लाइफ चालू करवा दीजिए, और बाकी ये गोलगप्पे, चाट पकौड़ी, चाउमीन, मैदा के जो बर्गर पिज्जा बेटा, ये सब बंद करने पड़ेंगे आपको। ठीक है? मोमोज भी खाते हो? मोमोज मोमोज और ये सब खा के, चाउमीन वगैरह, ठीक है? लंबाई नहीं बढ़ रही इसकी मैम, सब कुछ होगा। लिव अगेन न्यूट्री लाइफ दीजिए जो सर ने बताया है, बाकी ये जो है ये फास्ट फूड बंद करवा दीजिए, और सुबह सुबह दौड़ के आया करो कम से कम 2 किलोमीटर। ठीक है? और खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना है 1.5 घंटे तक, और रात का खाना जल्दी खाना है, खाना खा के मत सोना जल्दी, खाना खा लो जल्दी से, फिर घूमो फिरो 1-2 किलोमीटर, दौड़ के आओ, खेल के आओ, उसके बाद फिर रात को सोना। ठीक है? ये कर लो, फिट हो जाओगे। मुकेश जी, जाकिर हुसैन जी को ले लीजिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं ले लेता हूँ लाइन पर। जाकिर हुसैन जी कहाँ पर है, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जाकिर जी, जाकिर हुसैन जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। यस, अनम्यूट कीजिए जाकिर हुसैन जी। यस जी 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 जी, गुड इवनिंग, बोलिए सर। मेरे को किडनी में प्रॉब्लम थी। ओके, तो मैंने लिव अगेन और यूरिफ्लेक्स भी। ओके, और टोनागेन कैप्सूल। हां जी, और इमोना प्लस 3, ये चीज ले रहा था। ठीक है, तो कभी कभी ये है कि पैर में दर्द रहता है ज्यादा, टांगों में। ओके, पैर में दर्द रहता है, टांगों में दर्द रहता है मेरे। अच्छा, खुजली टाइप में भी। किडनी की क्या पोजीशन है? एक्चुअली यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है आपका, अभी किडनी की क्या पोजीशन है? पहले से तो आराम है, दर्द वगैरह में, दर्द वगैरह में आराम है अभी आपको। खाना खाने के बाद पानी कितनी देर बाद पीते हो आप? खाना खाने के यानी के 1-2 घूंट तो खाना खाने के बाद पी लेता हूं, 1-2 घूंट, बाकी आधा घंटे बाद। कोई बात नहीं, उसको तो पियो 1 घंटे बाद, है ना? उसके अलावा एक तो दाल वगैरह कोई नहीं खानी है अभी आपको। अच्छा, दाल वगैरह नहीं खानी है, नॉन वेज नहीं लेना है बिल्कुल भी जी, नॉन वेज, दाल, है ना, और दूध और दूध की बनी चीजें, ये 3 चीजें तो बंद कर दीजिए। ठीक है ना, सलाद खाइए, फल खाइए, ऐसी चीजें खा सकते हो आप।
जी और स्पिरुलिना गोल्ड कैप्सूल लेके एक ले रहे हो ना ऑलरेडी ये तो जी 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 हाँ तो बस ठीक है ये आप लेते रहिए 95 एक पाउच रोज और चालू कर दो सुबह सुबह खाली पेट एक पाउच रोज 95 का लेना चालू कर दीजिए बाकी जो चल रहा है सब सही है सिर्फ 95 एक पाउच ऐड कर दो दाल प्रोटीन नॉन वेज ये तीन चीजें बंद कर दीजिए दाल जी नॉन वेज और दूध की बनी चीजें ठीक है आपको रिलीफ मिल जाएगा पैरों में भी आराम मिल जाएगा बाकी जो आप ले रहे हो पहले से उन्हें लेते रहिए सिर्फ 95 चालू कर दीजिए एक पाउच एवरी डे ठीक है चलिए ओके ठीक है और पानी पीना है खाना खाने के कम एक घंटे बाद एक से डेढ़ घंटे बाद पानी जल्दी मत पीजिएगा यूरिक एसिड भी बढ़ रहा है आपका शुगर की प्रॉब्लम तो नहीं है इनको डायबिटीज तो नहीं है आपको नहीं डायबिटीज तो नहीं है इनको किडनी में इन्फेक्शन था जाकिर हुसैन जी डायबिटीज तो नहीं है आपको अनम्यूट कीजिए अपने आप को आप जी डायबिटीज तो नहीं है हेलो जी जी डायबिटीज जी नहीं ओके ओके तो फिर ठीक है जो बताया बस वो कंटिन्यू कीजिए आप यस आचार्य आशीष कौशिक जी और लास्ट में इनके बाद हम उषा मैम को और पूछेंगे फिर हम आज के सेशन को कंप्लीट करेंगे यस उषा जी आचार्य आशीष कौशिक जी बोलिए सर एक चीज और पूछनी थी एक तो ये एंटी एलर्जी खाली पेट लेनी है हाँ जी और मल्टीग्रेन खाना खाने के बाद हाँ जी और दूसरा ये है कि हमारी आरती जी है मतलब जुड़ रही हैं वो मतलब मीटिंग में है और वो उनके ना फैटी लीवर हो गया है सर और उनके थोड़ा भूख भूख में प्रॉब्लम है तो उनके लिए सजेस्ट करें सर लिव अगेन और डेली डिटॉक्स दोनों चीज दे दीजिए कैप्सूल साथ में दे सकते हैं नहीं नहीं सिरप दीजिए लिव अगेन सिरप 10-10 ml सुबह शाम इम्यूनो 3 एक एक सुबह शाम डेली डिटॉक्स एक एक सुबह शाम ठीक है यस उषा मैम अनम्यूट कीजिए उषा जी यस हाँ जी सर नमस्कार सर जी मैम नमस्कार सर मेरे पैरों में दर्द रहते हैं ऐसे झंझनाहट से ऐसे होती है और जैसे सुबह उठती हूँ ना तो पूरे बॉडी में पेन रहते हैं जो यही प्रॉब्लम है पिछली बार भी आपको बताया था तो सर ने आपने बोला था एचबी टेस्ट करवाने के लिए एचबी मैंने टेस्ट करवा लिया उसमें 12.4 है ओके जी दर्द तो अभी भी रहता है कोई बात नहीं एज कितनी है आपकी 47 वेट कितना है सर वेट का तो अंदाजा नहीं है सर अप्रोक्स ओवरवेट तो नहीं है नहीं सर ओके बाकी आपका बीपी शुगर ये सब कुछ नॉर्मल शुगर टेस्ट किया सर शुगर भी नॉर्मल है बीपी तो अभी टेस्ट नहीं कराया सर अच्छा वैसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती नहीं नहीं हार्ट से रिलेटेड चलिए कोई बात नहीं तो मैं चाहूंगा सर एक बार सजेस्ट करेंगे आपको प्लीज माननीय डॉक्टर मुकेश जी इनको सिर्फ ये कि इम्यूनोथेरी और स्पिरुलिना और लिवगेन ये तीनों चीज दे दीजिए उषा मैम जी सर इम्यूनोथेरी स्पिरुलिना और लिवगेन सर लिवगेन तो मैं ले ही रही हूँ ठीक है तो दो चीज ऐड कर दीजिए इम्यूनोथेरी स्पिरुलिना गोल्ड जी उषा मैडम कहाँ से हैं सर मैम जयपुर से मैम जयपुर से जी तो मैम ये लेना चालू कर दीजिए आप ठीक है सर चलिए ओके मैम ओके यस अर्चना मैम आप बताइए अर्चना जी जी मैम बोलिए गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग सर जी जी सर मेरे मम्मी है मैं मम्मी के साथ आई हुई सर आप मेरी मम्मी कीजिए बात करवाइए हेलो हाँ जी नमस्कार हेलो हाँ जी नमस्कार जी बोलिए नमस्ते जी बताइए सुबह सुबह मुझे उल्टी सी अर्चना मैम आप बोलिए कुछ समझ में थोड़ी सी हाँ आप बोलिए प्लीज सर सुबह सुबह उठती है ना मॉर्निंग टाइम तो इनका उल्टी का जैसा मन होता है Okay. और इनके भी मतलब कि डॉक्टर इनके पैरों में दर्द था तो घुटनों में डॉक्टर ने ये बता दिया कि घुटनों का ग्रीस खत्म है
और इनका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा। आपका नेटवर्क का इश्यू है मैम, आपने बताया कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है, सुबह सुबह वॉमिटिंग जैसी आती है, एक्चुअली इनका है ना लीवर भी फैटी हो रहा है। यस सर। मैम आपका नेटवर्क इशू है, आप प्रॉपरली सुन भी नहीं पा रहे हो। यस सर। यस नहीं सर, आपकी आवाज क्लियर आ रही है मुझे। चलिए तो लिख लीजिए, लिव अगेन, वेल हर्ट। यस सर। ब्लड प्यूरिफायर है ना, वेल हर्ट, ब्लड प्यूरिफायर, लिव अगेन, और आपने बताया ये इम्यूनोथेरेपी। यस सर। बस ये चीज आप इनको दे दीजिए, ठीक है सर। खाने पीने में, खाने पीने में खाना खाने के बाद पानी डेढ़ घंटे बाद ही पीना है इनको, और सलाद और फल ये चीजें ज्यादा खाएं, खाना खाने से आधे घंटे पहले सलाद जरूर खाएं दोनों टाइम, ठीक है। और शाम का खाना जल्दी खाएं, दाल दूध और दूध की बनी हुई चीजें, चिकना मिर्च मसाला ये कम करवा दीजिएगा। सो ये था आज का हमारा हेल्थ सेमिनार, जिसमें काफी सारे लोगों ने अपनी अपनी प्रॉब्लम्स बताई, उनको प्रॉपर गाइडेंस मिली, उनको विद द हेल्प ऑफ नेचुरोपैथी एंड विद द हेल्प ऑफ आयुर्वेदा उनकी प्रॉब्लम को सही करने के लिए उन्हें गाइड किया गया। आप लोगों को जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं आप इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कीजिए, और जो जो आपको बेनिफिट होता जा रहा है वो आप लोग आके यहाँ बता सकते हैं कि यस आपको क्या बेनिफिट हुआ है, और आगे जो प्रोडक्ट्स आपको बताएं इनको आप कंटिन्यू कीजिए। वापस अब आप लोगों से मुलाकात होगी अगले बुधवार को सेम टाइम सही 8 बजे, तब तक के लिए सभी लोगों से विदा लेना चाहेंगे, अपने सभी सीनियर्स का, सभी डॉक्टर्स का, सभी एक्सपर्ट्स का धन्यवाद करते हुए सभी को नमस्कार।